ये तो हमें दावा कर रहे थे कि हम पीओके लेंगे, चाइना से लेंगे वापस ज़मीन अपनी, जबकि हमारे नसब से ज़्यादा इस वक्त नसब से ज़्यादा ज़मीन चाइना और पाकिस्तान के पास, यहाँ तक कि 70% आबादी पर इस वक्त भारत का कंट्रोल है और 30% आबादी पर चाइना और पाकिस्तान का कंट्रोल। 1947 में हमारे तीन टुकड़े हुए थे जम्मू कश्मीर के, एक हिस्सा जो है हमारा पाकिस्तान के पास है, दूसरा हिस्सा चाइना के पास। जम्मू कश्मीर की टोटल जो रकबा है 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें से 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के पास। हमारे जो भाई पाकिस्तान में इस वक्त हैं, चाइना के साथ हैं, जिन पर गैरकानूनी कब्जा है पाकिस्तान और चाइना का, उनको आप हमारे साथ कब मिलाएंगे? मेरा ये भारतीय सरकार से सवाल है, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल है। देखिए 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर के हालात चेंज हो गए, जब यहाँ पर जो 370 आर्टिकल है उसको हटाया गया, तो तब दावे किए गए थे जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, मरकजी सरकार के द्वारा, कि हम कश्मीर को नया कश्मीर बनाएंगे और कश्मीर को डेवलपमेंट देंगे। लेकिन आजकल ये दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड लेवल पर कि गरीब और कमज़ोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको अनएम्पावरमेंट किया जा रहा है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है, और जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनके ज़मीनों पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, जबकि जो रूलिंग पार्टी के साबिक मिनिस्टर रहे हैं, साबिक एमएलए रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, स्टेट लैंड पड़ी हुई है, जो उन्होंने गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। फिलहाल साहब क्या पैगाम रहेगा एलजी इंतजार? देखिए मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं मरकजी सरकार तक और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक। जब 2014 में ये इकदार में आए थे, भाजपा सरकार आई थी हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा मंडेट आया था, तो उन्होंने हमें उस वक्त दूसरे वादे किए थे, जैसे कि मैं आज आपको बता दूं कि यहाँ आजकल ये चल रहा है कि दो दिन पहले किसी को नोटिस दिया जा रहा है कि ये भाई ये आपका स्ट्रक्चर जो है गैरकानूनी है, कल इसको हटाया जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर ही बिल्डोज़र उस पर चलता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आज से 70 साल पहले यानी कि 1947 में हमारे तीन टुकड़े हुए थे जम्मू कश्मीर के, एक हिस्सा जो है हमारा पाकिस्तान के पास है, दूसरा हिस्सा चाइना के पास है। देखिए तकरीबन जम्मू कश्मीर की टोटल जो रकबा है 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें से 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के पास है। ये तो हमें दावा कर रहे थे कि हम पीओके लेंगे, चाइना से लेंगे वापस ज़मीन अपनी, जबकि हमारे नसब से ज़्यादा इस वक्त नसब से ज़्यादा ज़मीन चाइना और पाकिस्तान के पास है। मेरा सवाल रहेगा जम्मू कश्मीर सरकार और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, भारतीय गवर्नमेंट से, कि आप चाइना और पाकिस्तान से हमारी ज़मीन कब वापस लेंगे? यहाँ तक कि 70% आबादी पर इस वक्त भारत का कंट्रोल है और 30% आबादी पर चाइना और पाकिस्तान का कंट्रोल है। हमारे भाई आप हमें कब मिलाएंगे? मेरा यही सवाल रहेगा। हमारे जो भाई पाकिस्तान में इस वक्त हैं, चाइना के साथ हैं, जिन पर गैरकानूनी कब्जा है पाकिस्तान और चाइना का, उनको आप हमारे साथ कब मिलाएंगे? मेरा ये भारतीय सरकार से सवाल है, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल है। और जो ज़मीन है लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो चाइना और पाकिस्तान के पास हैं, वो आप हमें कब दिला रहे हैं, वापस कब दिला रहे हैं? और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन एडिशन पाकिस्तान ने जब एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान का बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, पाक सिनो एग्रीमेंट 1963 में, तब पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन में से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर्स चाइना को गिफ्ट किया था। तो भारतीय सरकार को मेरा ये सवाल है कि आप वो ज़मीन कब वापस लेंगे, कब हमें वो ज़मीन वापस दिलाएंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़मीन है, गरीबों से ज़मीन छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाइना और पाकिस्तान से छीनिए अगर आप में दम है तो। बाकी आप जम्मू कश्मीर के आम आवाम को, गरीब आवाम को सता रहे हो, बिल्डोज़र चला रहे हो, इकोनॉमिकली उनको क्रैश करने की कोशिश कर रहे हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है उसको भी आपने तहस नहस किया, और हमें आप इकोनॉमिकली कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आपको भारत पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंडेट मिला है, चाइना और पाकिस्तान से हमारी ज़मीन आप कब छीनने जा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान की तरफ आप बिल्डोज़र का रुख कब करेंगे? मेरा यही सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ के एलजी सिलेक्टिव चल रही है,
अपोजिशन के लीडर्स को धमकाया जा रहा है, उनको उनके तजावजात को मुनहदिम किया जा रहा है, क्या आप चाहते हैं कि जो इक्तदार में हुक्मरान है उन पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये समझते हैं जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये समझते हैं कि दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही है, कश्मीरी लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। देखिए, इस वक्त जो पीडीपी थी आज से 4 साल पहले 5 साल पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसमें से जितने भी नेता मिनिस्टर थे, एमएलए थे, वो सब के सब चले गए और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में इस वक्त पार्टी है। तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो वही हो गया है ना कि नई बोतल में पुराना शराब। देखिए, वही लीडर तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, वही लीडर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन उन पर आज कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने उनके साथ खुफिया एग्रीमेंट किया हुआ है। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स 3-year इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर IAS, KAS स्पेशलाइज्ड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम। ड्रीम बिग एंड प्रिपेयर अर्ली। फॉर काउंसलिंग विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9469888333।